ओ भाई क्या देख लिया। इस साल द लास्ट ऑफ अस वन पीस जैसी वेब सीरीज ने साबित किया हॉलीवुड वाले बहुत ज्यादा सीरियस है एडेप्टेशन को लेकर। और मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि मॉन्स्टर यूनिवर्स के ऊपर एक वेब सीरीज आने वाली है बाय एप्पल टीवी। और एप्पल टीवी का सिंपल फंडा है कम से कम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वालिटी, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे महीने में एक ही वेब सीरीज अपलोड होती है लेकिन दबा के पैसा लुटाते उस पे। आज रिलीज हुई मोनाज लेजेंड ऑफ मॉन्स्टर का 2 एपिसोड। क्या इसके लिए हमें 100 रुपए का एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और हमारा कीमती समय देना चाहिए या नहीं? अगर आप मॉन्स्टर सीरीज के स्कल आइलैंड या फिर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला इन सभी मूवीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस बार ये लोग एक स्टेप आगे गए हैं सीरीज के अंदर। अब जिन मेकर्स ने इन मॉन्स्टर यूनिवर्स की मूवीज बनाई थी उन्होंने इंसानों की बैक स्टोरी और इंसानों को कंसीडर तक नहीं किया, एकदम चीटियों की तरह मार देते थे। इन मूवीज के अंदर पूरा फोकस इन्होंने VFX और CGI पे रखा था, इसलिए हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको सिर्फ टॉप क्वालिटी का VFX या एक्शन सीन ही नहीं, लेकिन इन मॉन्स्टर के पीछे मिस्ट्री क्या है, पास्ट और प्रेजेंट पे 2 स्टोरियां एक साथ चलती है और दोनों भी इंटरेस्टिंग है, आपको बोर बिल्कुल नहीं होता। अब जो 2 टाइमलाइन है उसमें प्रेजेंट के अंदर ऑलरेडी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है कि गॉडजिला ने अटैक कर दिया है, हमें सतर्क रहना है, और जैसा कि इंसान की फितरत है बुरे टाइम में भी ये प्रॉफिट कमाना अच्छे से जानता है। अब पास्ट में एक साइंटिस्ट, एक एडवेंचरर और एक मिलिट्री का बंदा, ये तीनों एक ऐसे एडवेंचरस आइलैंड पे जाते हैं जहां इन्हें सोर्स ढूंढना है इन मॉन्स्टर्स का। और सिनेमेटोग्राफी खास करके सुबह के टाइम पे जो वाइड एंगल्स में पूरा जंगल दिखाया एकदम स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क की वाइब देता है। और अगर आपने 1998 का गॉडजिला देखा होगा तो बेसिक स्टोरी लाइन कुछ वैसी ही है। इन शॉर्ट दोनों स्टोरी लाइन के अंदर आपको मिस्ट्री दबा के मिलेगी और वो जो मिस्ट्री है वो बोर बिल्कुल नहीं करती, दूसरे वेब सीरीज की तरह खींची हुई नहीं लगती। बीच बीच में आपको गॉडजिला और मॉन्स्टर्स का अटैक दिखाया है वो भी बहुत 5-10%। तो आप देखने से पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं, आप ये मत सोचना कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला दिखेंगे फाइट करते हुए एकदम लार्जर देन लाइफ, नहीं भाई ये मिस्ट्री है। लेकिन द लास्ट ऑफ अस वेब सीरीज की तरह धीरे धीरे चीजें नहीं चलती, ये फटाफट है और इसी मिस्ट्री को आगे कंटिन्यू रखने वाले ये लोग। 3rd एपिसोड वेडनेसडे को आने वाला है तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज ऑफ 2023, लेकिन एप्पल टीवी पर देखा मैंने अब तक का सबसे बेस्ट सीरीज है आफ्टर टेड लासो। अब 2 एपिसोड आया तो नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को बहुत ही बेकार फॉर्मूला लगता है कि एक साथ आप लोग 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1 करके धीरे धीरे करके एपिसोड रिलीज करते हो, क्या जरूरत है इसका? आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2 एपिसोड के बाद मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं 3rd एपिसोड देखने के लिए और भी आगे देखने के लिए। तो आप समझ जाओ कि ये कितनी अच्छी एडवेंचर मिस्ट्री होगी। ये 2 एपिसोड जो रिलीज हुए उसको मैं 8/10 देना चाहूंगा। और इस मॉन्स्टर यूनिवर्स को अगर जिंदा रखना है तो इसे वेब सीरीज की ही जरूरत है, इसको मूवीज की तरह नहीं रिलीज कर सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स है, इतना डीप मिस्ट्री है इसका कि इसको मूवी पे 5-10 मिनट के अंदर समझा देना नॉट इनफ। ऐसी और भी top 5 बियॉन्ड इमेजिनेशन रिकमेंडेशन का वीडियो आपके स्क्रीन पे। रिव्यू पसंद आया तो आपको लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।